पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अगर अपने पास नोट कर लो ना तो वो काफी जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके आंसर्स में या एमसीक्यूज़ के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चंस जो हैं वो टाइप करके भेज रहा हूँ, आप लोग रीड करते रहें और साथ साथ क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपको बेसिकली क्या चीज़ नोट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप जब तक पैराग्राफ रीड करना है। क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को भेजे हैं, देखेंगे क्वेश्चंस। और फर्स्ट पैराग्राफ है आपके पास, उसमें से आपने इसके आंसर्स मुझे बताने हैं। ठीक है, यू कैन यूज योर माइक्स। सर किधर क्वेश्चन भेजे हैं? अच्छा, जब आप लोग लॉग इन हो रहे थे तब कोई लॉग इन प्रॉब्लम हो रही थी आपको? सर पहले वाले में हो रही थी, फिर आपने दोबारा जो लिंक भेजा वो तो हो गई थी फिर। ठीक है, यस, मेरी आईडी में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए, अब आ गए क्वेश्चंस आप लोगों के पास। यस सर, अब आ गए। यस सर, आ गए। ठीक है, इजलाल, कोई क्वेश्चन है आपका? सर मेरे पास तो नहीं है क्वेश्चन। बेटा वो उस पे चैट पे चेक करो, मैंने एवरीवन पे सेंड करें, चैट पे चेक करें अपने पास। यस सर, यस सर मुझे नहीं मिला, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो। ठीक है, मैं अभी सेंड कर दूँ, रुके। अच्छा, जो आंसर बताएंगे वो रेज हैंड करें और फिर उसके बाद मैं उन्हें बताऊंगा कि किसने आंसर करना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि ये डिटेल्ड है चैप्टर, तो इसे हमें एंड करना होगा। ये वाला इस दफा पेपर में आ भी रहा है।
ओके सो हु इज गोइंग टू आंसर मी द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? चैप्टर का नाम पढ़ के आंसर मत कर दिएगा. व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? अच्छा, आप टाइप करने के बजाय माइक पे अगर बता देंगे ना तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, वरना टाइपिंग में आपको भी बड़ा टाइम लग जाएगा इसके अंदर. और बहुत डिटेल में आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस स्पेसिफिक आंसर चाहिए, ठीक है? मे बी वन लाइनर और टू लाइनर, नॉट अ डिटेल्ड वन. ओके फिजा, आप बता रही हैं नंबर वन का आंसर. व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? सेकंड का आपने भेज दिया है, बट आई वांट टू नो अबाउट द फर्स्ट वन. नो आइडिया. कम ऑन गर्ल्स एंड गर्ल्स. ओके फिजा सेड दिस चैप्टर डिस्कस दैट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके somehow I can say you are right. Okay. Huren, what will you say about this one? The first one. By the way, do you all know who was Liaquat Ali Khan? जानते हैं इनको कौन थे? नाम सुना हुआ है? सर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. राइट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, तो कायदे आजम कौन थे फिर? वो सदर गवर्नर जनरल. गवर्नर थे सर. यस, गवर्नर जनरल कौन होता है? सदर सदर आर्मी होता है. आर्मी सदर नहीं होता इसके बाद. ये एक एडिशनल वो था, आप ये समझ लें कि ये जिम्मेदारी कह लें एक तरीके से, कि एक ऐसा शख्स जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हो और उसके पास आर्मी की भी कमांड हो, तो ऐसा शख्स गवर्नर जनरल होता है. आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान डिडंट हैव एनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड डिड नॉट हैव एनी प्रेसिडेंट एट दैट टाइम. सो दिस न्यू टर्मिनोलॉजी इन्वेंटेड गवर्नर जनरल एंड पाकिस्तान गॉट हिज फर्स्ट गवर्नर जनरल एज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. ओके सो एक इलेक्टेड शख्स प्राइम मिनिस्टर होता है. इलेक्टेड होने के लिए देयर मस्ट बी इलेक्शंस एंड इन इलेक्शंस देयर मस्ट बी वोटिंग एंड बाय दैट वोटिंग लियाकत अली खान वन द इलेक्शन एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्टेड. ओके ओके एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लियाकत अली खान किसके अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ रहे थे? Hopefully you know, maybe. You know, in this chapter you are going to recall Pakistani studies. Come on, use your IQ and don't use Google. सर क्वेश्चन रिपीट करेगा. क्वेश्चन ये है कि लियाकत अली खान जो थे वो किसके अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े हुए थे? नो, ब्रिटिश अमेरिकन तो सब मूव सर कर. यूनाइटेड इंडिया ना ना, इन पाकिस्तान कायदे आजम के बाद की बात है, जब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हुई तो
कैबिनेट बनाई गई, इलेक्शंस करवाए गए, इलेक्शंस के बाद इलेक्ट हुए थे, सो देयर मस्ट बी अनदर पार्टी। सर भुट्टो, आई विश इट वुड हैव हैपेंड एट दैट टाइम, बट नो नॉट दैट। राइट, लेट मी गिव यू अ सरप्राइज। लियाकत अली खान वाज फाइटिंग इन इलेक्शन अगेंस्ट मोहतरमा फातिमा जिन्ना। They both had different parties. Mohtarma Fatma Jinnah was in another party and Liaquat Ali Khan was in another. Yes. But sir, उन दोनों की aim तो same ही थे ना, तो फिर अलग क्यों? यही चीज हम discuss करेंगे। उनके aim different थे, मकसद एक ही था। They both wanted to see Pakistan developed, but the medium of development was different. यानी वो डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लाना चाह रहे थे, एंड दैट्स हाउ दे जस्ट गॉट इन अ पॉजिटिव डिबेट, दे हैड अ पॉजिटिव डिबेट एंड दे हैड अ पॉजिटिव इलेक्शंस एंड दे बोथ हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैंडेट। दोनों का मैंडेट बेसिक ये था कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, मीडियम उनका थोड़ा डिफरेंट था। लियाकत अली खान वॉज अ पर्सन हु थॉट दैट पाकिस्तान नीडेड टू बी ग्रोथ, गेट ग्रोथ इन साइंस एंड एग्रीकल्चर एज वेल। Mohtarma Fatma Jinnah came up to the idea that Pakistan ko agriculture mein strong hona hai, apni growths banani hai aur fir uske baad apne aap ko defense ko strong karna hai, and Liaquat Ali Khan was like this ke no, we should move on to the plan that Pakistan ko modernization ki taraf lekar jaye by science, by applying or investing in science. So that was their basic ideological differences. Okay, sir. अच्छा, लियाकत अली खान इलेक्टेड हो गए हैं और इलेक्टेड होने के बाद what he did, he started developing Pakistan in the field of science. उस वक्त जो भी मॉडर्न साइंस थी उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए काफी जद्दोजहद शुरू कर दी। इवन यू नो इन कराची he made the biggest कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा टेक्निकल कॉलेज उस वक्त बनाया गया कराची के अंदर। एंड यू नो व्हाट, हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज उस बिगेस्ट कह सकते हैं हम एशिया के सबसे बड़े टेक्निकल कॉलेज की प्रिंसिपल कौन थी? That was Mohtarma Fatma Jinnah. Yes, even though they were against on this ideology, they were against in the elections, but she was chosen as the principal of the biggest technical college of the Asia. वो college अभी भी पाकिस्तान में कराची में functional है, चल रहा है, लेकिन अब खैर उसके पास से वो title छीना जा चुका है कि वो biggest है अब, I guess. After 1000 नाम आता होगा उस कॉलेज पर। That the name of the college is GCT, Government College of Technology. It is in Shershah. Okay, so इस पैराग्राफ को थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके अंदर एक चीज बताई गई थी कि लियाकत अली खान साहब जो हैं, वो इनवाइटेड किए गए थे। Let me ask you the second question. What was that? Okay. The chapter is all about that, about his speech. पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यही है कि this chapter is all about लियाकत अली खान's speech. और इस speech के अंदर different aspects बताए गए हैं। आपके पास book है तो आप अपनी book open करो, उस book के अंदर आपको नजर आएगा कि paragraphs बनाए गए हैं। ठीक है, different paragraphs हैं, फिर उसके ऊपर बातचीत हो रही है। Wait, let me show. नेपा कॉपीड है, आपके पास बुक होगी तो उसमें प्रॉपर पैराग्राफ्स दिख जाएंगे आपको। ठीक है, ओके, व्हिच टू नेशंस आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर एंड व्हाई? पाकिस्तान एंड इंडिया। ओके, ऑब्वियस, व्हाई? बिकॉज़ दे हैव बोथ डिफरेंट आइडियोलॉजी। ओके, अच्छा, अल्लाह, ये लियाकत अली खान जो है, इनको कहाँ इनवाइट किया गया था स्पीच के लिए?
यूनाइटेड नेशन. सी दिस लाइन. कैंसास. यस. कैंसास सिटी. कैंसास सिटी बट यूनिवर्सिटी. कैंसास यूनिवर्सिटी में इनको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था और इन्होंने वहाँ पर जो है वो स्पीच दी थी. इनकी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, 3 दिन इनके लेक्चर दिए जाने थे. ठीक है. अच्छा, एक जनरल नॉलेज की बात है कि ये जो ऑनररी जजेस होते हैं या स्पीच के लिए बुलाया जाता है या यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंसेस होती है, इनके अंदर जिन लोगों को बुलाया जाता है वो ऐसे ही नहीं होता कि बस ये बंदा अच्छा लग रहा है इसको बुला लो, उसका हेयर स्टाइल अच्छा है इसको बुला लो. उसके लिए कुछ ना कुछ उस शख्स के पास ऑलरेडी होना चाहिए, उसकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप होनी चाहिए कि बाकायदा वो लोगों को जो है कुछ इन्फॉर्म कर सके. ये एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था. अब यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में एक नए मुल्क के प्रेसिडेंट को, वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, तो इट मींस दैट कि वो प्राइम मिनिस्टर कुछ ना कुछ है, उसकी काबिलियत इतनी आउटस्टैंडिंग है कि एक मुल्क अपने बच्चों को सिखाने के लिए उस शख्स को बुला रहा है. और इन दैट स्पीच ही एक्चुअली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स वर आउट ऑफ एशिया, यू कैन से पाकिस्तान इंडिया डिवाइडेड हो चुके थे, अंग्रेज वहां से निकल चुके थे. एक पाकिस्तान का प्रोस्पेक्टिव दुनिया के नजर में ये गया था कि दे जस्ट गॉट सेपरेटेड बिकॉज ऑफ देयर फंडामेंटलिज्म, यानी दे आर जस्ट नैरो माइंडेड पीपल हु आर वेरी यू नो डोंट ऑन देयर रिलीजन. मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से इन्होंने जो है जमीन का बंटवारा कर लिया और ये लोग जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं और इनमें कोई डेवलपमेंट का अप्रोच नहीं है. दे आर नॉट ईगर टू स्टडी, दे आर नॉट ईगर टू डेवलप देयर कंट्री. दे आर जस्ट बंच ऑफ पीपल हु आर जस्ट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर एंड नथिंग मोर. तो ये एक इमेज जनरेट हुआ. बता तो इन दैट स्पीच ही डिस्क्राइब दैट नो पाकिस्तान हैज एन आइडियोलॉजी, और वो आइडियोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि हमें हिंदुओं से अलग होना था, बल्कि इसमें पूरा एक रीजन दिया गया था. अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरा सोच कर पहले मेरे क्वेश्चन को समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा. डायरेक्ट आंसर नहीं दीजिएगा, पहले सोचिए मेरा क्वेश्चन है क्या. बेसिकली व्हाई वी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, हमने इंडिया से अपने आप को सेपरेट क्यों किया. क्वेश्चन बहुत सोच के आंसर दीजिएगा क्योंकि उसके काउंटर में क्वेश्चन है मेरे पास. Why we divide ourselves from India? हमने अपने आप को इंडिया से अलग क्यों कर लिया? हमने एक बहुत बड़े बर्रे सगीर का जो है वो टुकड़ा कर दिया अभी से, तो क्यों? क्योंकि सर हम वहाँ पर अपने इस्लाम के मुताबिक चीज़ें, मतलब अपना इस्लाम वहाँ पर सही था, मतलब नमाज नहीं पढ़ पाते थे, लोगों को नहीं पढ़ने दिया जाता था. okay. तो हमें राइट मिले मुस्लिम कल्चर को अपनाने में, यानी कि हम हिंदू के रस्म रिवाज अपनाने लगे थे, तो हमें चाहिए था कि हम अपना अलग मुल्क क्रिएट करें ताकि हम अपने दीन को उसमें आजमाएं. ओके, एनी अदर रीजन? सर क्योंकि सैयद ने टू नेशन थ्योरी दे दी थी इस वजह से. टू नेशन थ्योरी, ये मैं चाह रहा था कि कोई बच्चा ये नाम ले दे एक दफा. थैंक यू अली. टू नेशन थ्योरी क्या है? दो लोग, हम मुसलमान, मुस्लिम्स और हिंदूस अलग अलग डिफरेंट रिलीजन कल्चर और ट्रेडिशन से ताल्लुक रखते थे, तो इसलिए उन्होंने सर अहमद खान ने ट्रेडिशन थ्योरी की कि हम लोगों को अलग अलग होना चाहिए क्योंकि हमारा रिलीजन सब कुछ उन लोगों से अलग है और हम लोग उनके सारे सब कुछ अपना रहे थे. अच्छा, मैं आपकी बात को सर, हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम है. सही समझ, सही वर्ड यूज करा है आपने यहाँ पे. नेशन कौम है, दो कौम है, दो मुख्तलिफ कौम है और ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन रखती हैं, इनके आपस में इख्तलाफ हैं, लिहाजा इन्हें अलग कर दिया जाए. ओके ठीक. सो ये डिवीजन हुआ
रिलीजन की बेस पे, मजहब की बेस पे अलग हुआ। इफ आई एम राइट प्लीज टेल मी। यस यस सर। ओके, राइट नाउ इन इंडिया देयर आर ऑलमोस्ट 28 करोड़ मुस्लिम्स, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। Muslims are living in India, and in Pakistan there are hundreds, thousands of Hindus are living. So where is the two nation theory? Sir, migration इतनी easy चीज थोड़ी ना। Right. So still they are living ना? In Pakistan Hindus are secured, Alhamdulillah, as far as I know. In India we see problems, but still Muslims are living over there. Even more than the population of Pakistan, we are almost 22 crores. There are almost 28 crore Muslims in India. Sir, क्योंकि India तो secular state होने का दावा करता है ना? Right. आजादी तो मांग रहे थे. वो हमें देना चाहते थे. Right. अच्छा देखें, two nation theory के साथ हमारे कुछ और भी मामलात थे जिसकी वजह से हमें अलग करने का फैसला किया गया. बात सिर्फ मजहबी बुनियादें नहीं थी बल्कि और भी रीजंस थे, ठीक है? और वो ऑल रीजंस जो हैं वो बहुत ज्यादा अहम थे जो कि यहाँ पर बताए गए हैं लियाकत अली खान के जरिए। क्योंकि जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, मैं अभी आपसे कहूँ कि भाई आपके बराबर में एक शख्स रहते हैं, वो नॉन मुस्लिम है, तो उन्हें या तो आप अपने इलाके से निकाल दें या आप खुद उस इलाके से निकल जाए, तो आप कहेंगे सर आपका दिमाग खराब हो गया, हम ऐसा क्यों करें? उस शख्स ने तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं ये बोलूं कि नहीं, बिकॉज ही इज हिंदू एंड वी आर डिफरेंट, वी आर फ्रॉम डिफरेंट नेशन और वी आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। देयर वर सम स्टिल प्रॉब्लम्स, नो डाउट। आप जब भी दो डिफरेंट लोगों में साथ रहते हैं, दो डिफरेंट लोग, प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उसका रीजन माइग्रेशन नहीं हो सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज फर्स्ट कंफर्म मी दिस। नहीं, अगर सर वो अगर मना करें अपने रीजंस को फॉलो, रिलीजन को फॉलो करने से, तो जब आपके इस सवाल पर मैं आपसे कहूँ, अच्छा हम ये ऐसे समझ लें आप लोग कि हम एक डिबेट की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है बड़े स्ट्रांगली दिएगा, ठीक है? ये नहीं कि सर क्या बोलेंगे, हम एक डिबेट की तरह, एक पॉजिटिव डिबेट की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है? इमेजिन, इमेजिन बांग्लादेश, कंप्लीट बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड और जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं और फिर इंडिया के, ये सारे मुसलमान कम तादाद में थे उस वक्त। मुसलमान कम थे तादाद में। नाउ इमेजिन कंप्लीट बांग्लादेश इज अ मुस्लिम कंट्री, ओके? पाकिस्तान, इंडिया, इन तीनों मुल्कों की स्ट्रेंथ मिलाने के बाद मुसलमान कम थे? नो, बहुत ज्यादा थे। एक्जेक्टली एंड ये वाले जो प्रॉब्लम्स थे, सर कमजोर थे, सर हाफ थे। ओके, अब आते हैं मेन बात की तरफ जिस पर हम अपने चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड करें, ठीक है? देखें, डिफरेंसेस हर तरफ से थे, हिंदूज के ऊपर भी जुल्म हुए हैं, मुस्लिम्स पर भी हुए हैं, क्रिश्चियंस पर भी हुए हैं, सिख लोगों के ऊपर भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स के ही साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? ये सबके ही साथ किए जा रहे थे बिकॉज देयर वॉज पॉलिटिकल प्रॉब्लम, देयर वॉज नो रिलीजियस प्रॉब्लम। रिलीजन को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों में आपस में इंतशार फैलाने के लिए, ठीक है? बेसिक रीजंस जो बने हमारे इस चैप्टर में डिटेल डिस्कस होंगे, मैं आपको सिर्फ एक उसके चंक्स बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में वो बात आ जाए, ठीक है? देखें, अगर हम उस वक्त ये डिसीजन ना लेते कि वी हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस नेशन, फ्रॉम इंडिया और व्हाटएवर, सो अंग्रेजों से आजादी के बाद हमें इंडियन, जो इस वक्त प्रेजेंट इंडिया, उसके अंदर अगर हम शामिल होते तो इट वुड बी लाइक चेंजिंग ऑफ द मास्टर्स। ये लफ्ज इस्तेमाल किया है लियाकत अली खान ने कि अगर हम उस वक्त आजादी ना लेते तो ये गोया ऐसा होता कि हम अपने आका की तब्दीली कर रहे हैं, गुलामी फिर भी है हमारे। फर्स्ट पॉइंट, ये रिलीजियस भी इसको आप काउंटर कर सकते हैं, ठीक है?
सेकेंड थिंग दैट के वी हैव आवर ओन एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड वी हैव आवर ओन ट्रेडिशन एंड कल्चर टू फॉलो ऑन. ओके एंड अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस एस्पेक्ट्स वी हैव टू डेवलप इन आवर ओन वे. वी नीड टू गेट आवर नेम. द पॉइंट इज दैट यानी कि हमारे पास पाकिस्तान आने से हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी जो कि शायद इंडिया के साथ रहते हुए वो आइडेंटिटी हमें ना मिल पाए. राइट इंडिया सेकंड नेम है. पहला नेम तो हिंदुस्तान है. हिंदुस्तान मींस द लैंड ऑफ हिंदूस. राइट सो वी हैव दीज सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस एक्सेप्ट दैट वी हैव द लेस रेशो ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स. ये जो हमारे एक्चुअल राइट्स थे वो हमें प्रॉपर मिल जाए. हमारी आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट हो जाए. हम जो हैं वो अपने तरीके से तर्ज जिंदगी से डेवलप करें. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है आई गेस हमारी क्लास में इस वक्त जितने भी लोग हैं इनमें कोई ऐसा नहीं है जो पत्थर के जमाने वाली जिंदगी गुजार रहा हो. वी ऑल आर अल्हम्दुलिल्लाह लिविंग अ मॉडर्न लाइफ. राइट बट वी आर लिविंग दैट मॉडर्न लाइफ इन अ सर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर वे. यानी कि अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं तो हम मॉडर्न जरूर हैं लेकिन जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं इखलाकियात हैं हम उसके अंदर रहते हुए. इमेजिन इफ समबडी इज सेइंग अ पर्सन लाइक मी इफ योर टीचर इज सेइंग कि बेटा आपने डेवलप होना है तो आपको अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी होगी. आपने जो है वो मॉडर्न ड्रेसिंग करनी होगी तो आप जो है वो मॉडर्न कहलाएंगे आप डेवलप कहलाएंगे. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड मॉडर्निज्म. डू यू गेट द आइडिया और नॉट. ये हमने इससे पहले रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में बात की थी कि मॉडर्नाइजेशन में डिफरेंस होता है. ठीक है यू वॉन्ट टू शो योर डेवलपमेंट शो इट बाय योर नॉलेज नॉट बाय योर ड्रेसिंग. गेट इट. यस सर. ओके यस सर. तो आई गेस मैंने अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए सही आइडिया दे दिया. नाउ यू नो दिस चैप्टर. रिलीजियस बेसिस के अलावा क्या रीजंस थे जो हमें पाकिस्तान को अलग करना पड़ा. रिलीजियस बेसिस को पता है. आइडेंटिटी एक्चुअल राइट्स. अभी और बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे इसमें आपको. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स. नाउ यू विल एक्चुअली थिंक के हाँ वाकई में हम जो सोच लेकर आए हैं. देखें रिलीजियस एस्पेक्ट जरूर है लेकिन सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है. अगर सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट होता तो हम फिर शिद्दत पसंद लोग और वो जो वो क्या कहते हैं तालिबान जो हैं जो लोगों को अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक मानना सही समझते हैं उनमें फ़र्क नहीं रहता. फिर अगर हम सिर्फ मजहब की बुनियाद पे जगहों की तब्दीली लोगों का कत्ल करना जायज़ समझते हैं तो डू यू थिंक कि वी आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ और देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड अस. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. Okay, so what was my third question? अच्छा भाई लियाकत अली खान साहब को क्यों इनवाइट किया गया था. वैसे मैंने इसका थोड़ा सा आंसर तो दिया है. सर कॉन्फ्रेंस. वेरी गुड. कॉन्फ्रेंस में. अच्छा वो कॉन्फ्रेंस जो थी वो यंग स्टूडेंट्स के लिए थी. ठीक है और उसमें बात क्या करनी थी. ये पढ़ें ये एरो दिख रहा है मेरा. ये देखें पाकिस्तान के बारे में. पाकिस्तान और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में. यानी पाकिस्तान एक ऐसी जगह जो नई नई आज़ाद हुई है इसके पास जो है अभी मॉडर्नाइजेशन में कुछ भी नहीं है. इसकी क्या अप्रोच है मॉडर्निज्म के बारे में. देखें एक मिसाल देता हूं मैं. हमेशा ऐसा हुआ है तारीख में कि जब भी कोई नई चीज़ आई है लोगों ने उसको पहले जो है वो एक्सेप्ट नहीं करा है. उसके ऊपर जो है डिबेट की है उसको अपोज किया है उसके रिजेक्शन की है उसे
कोशिश किया है कि वो चीज वापस खत्म हो जाए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई हो, कोई भी नया तरीकेकार आया हो, उसको हमेशा लोगों ने मना करा है, उसको बुरा समझा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत हुई है तो उन्होंने उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में एक्सेप्ट किया है. लाइक आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल, कम ऑन, व्हेन आई वॉज इन अराउंड 6th-7th क्लास, हमारे यहाँ वो बड़े वाले एंटीने वाले मोबाइल फोन नए नए आए थे उस टाइम पे, वो पूरे पूरे हाथ के बराबर के कान पे लगाएं तो पूरा आपका कान उससे वो हो जाए, वो वाले सेल फोन्स थे जिनके अंदर रिंग की वो 9 को प्रेस करने के लिए पूरा 9 को खींच के नीचे लेकर आना पड़ता था. उस टाइम पे अगर कोई शख्स बोलता है कि भाई एक ऐसा सेल फोन आएगा कि भाई आप उसे अपने सामने रखेंगे और सामने वाले को आपकी शक्ल दिखेगी और उसकी शक्ल आपको दिखेगी, तो शायद हम उस शख्स को बोलते हैं भाई उसको हैदराबाद भेजो, पागल कहते हैं. Exactly. पागल खाने भेज रहे हैं. हाँ, हैदराबाद में जो मेन कैंपस है ना वहाँ पे इनका वो दुनिया का सबसे बड़ा. Exactly. Imagine just आप ज्यादा दूर ना जाएं, बल्कि आज से 10 या 15 साल पहले अगर कोई शख्स ये कहता कि जस्ट फ्रॉम योर सेल फोन यू कैन पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो लोग हंसते शायद. बैंक के आगे लाइंस लगी हुई होती थी और ऐसी लाइन के कोई क्रॉस कर दे तो उसका खून कर दें इतनी खतरनाक तरीके से. सो नई कोई भी चीज़ आती है उसमें लोग जो है वो उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं. पाकिस्तान एक नया मुल्क बना है, लोगों के कॉन्ट्रडिक्शंस थे, पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होगा, कहीं ये शरपसंद लोग आगे दूसरों की कंट्री में इन्वेड तो नहीं कर जाएंगे, दूसरों के मुल्कों में तो नहीं घुस जाएंगे और उनका एरिया भी तो नहीं हथिया लेंगे, तो एक वो आइडियोलॉजी क्लियर करनी थी लियाकत अली खान को. इन्होंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था ना, ये बड़ा अकलमंदाना फैसला था इनका. पहले तो इन्होंने ये समझाया लोगों को कि व्हाट इज पाकिस्तान, व्हाई वी नीडेड इट, हमें जरूरत ही क्यों थी इसकी, और हमारा रीजन सिर्फ इस्लामिक नहीं था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जरूर था, अहम रीजन में से सबसे अहम रीजन ये जरूर था कि वी नीडेड टू फॉलो आवर रिलीजन फ्रीली. लेकिन इसके साथ साथ हमारे और दूसरे रीजंस भी थे जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं वी आर फंडामेंटलिस्ट बट वी आर नॉट टेररिस्ट. एंड मॉडर्न वर्ल्ड को हम किस तरीके से देखते हैं और मॉडर्न वर्ल्ड हमको किस नजर से देखे, वी आर अ ग्रोइंग नेशन एंड वी नीड टू वेलकम द मॉडर्निज्म इन अस बाय डेवलपिंग आवर कंट्री. अच्छा, यहां मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मॉडर्न. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मॉडर्न के कुछ और मीनिंग पढ़े थे, यहाँ मॉडर्न के मीनिंग कुछ और हैं. यहाँ मॉडर्न से मुराद है तरक्की, और उधर मॉडर्न का मतलब क्या था कि अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट करके अपने आप को मॉडर्न समझना. ठीक है, तो ये आई गेस मेरी ये वाली बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आप लोगों को रीडिंग टास्क दूं तो ऑनेस्टली क्या आप लोग उसे कर लेंगे या फिर हम अपने क्लास में ही डिस्कस करें इसको? रीडिंग टास्क क्लास में डिस्कस करें. रीडिंग टास्क का मतलब ये कि मैं आपको एक कर्टन पैराग्राफ क्लास में करें. मैं आपको एक पैराग्राफ बता दूंगा, वो आपने पहले से रीड कर लेना है और उसके कुछ पॉइंट्स बना लेने और फिर उसके ऊपर हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे. ओके सर ये भी कर सकते हैं. ओके सर. मेरा मानना यह है कि अगर हम इस तरीके से डिस्कस और डिबेट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से चैप्टर को पढ़ सकते हैं, बनिस्बत ये कि आप लोग हाथ बांध के बैठे हैं और मैं आपको इंग्लिश का तर्जुमा सुनाता रहूं कि बेटा इस लाइन में ये लिखा है, फिर इस लाइन में ये लिखा है, फिर लियाकत अली खान खड़े हो गए, उन्होंने 3-piece सूट पहना, फिर टाई बांधी, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो चाय का कप लिया. तो ये ऐसा होगा कि आप लोग क्लास में होंगे और आपकी आंखें बंद होंगी, माइक और हेड वो माइक और कैमरा तो वैसे ही बंद होगा और वैसे ही सर्दियां हैं, आप लोगों ने ब्लैंकेट लेना है और सो जाना है. ऐसा ही होगा. हाँ, तो इसीलिए मैं आपको कुछ रीडिंग टास्क देना चाह रहा हूँ सबकी रजामंदी पर. यस सर. यस, ठीक है. हो सकता है इसमें कई सारी चीजें ऐसी मिले, आप बोले अबे भाई समझ में ही नहीं आ रहा ये लिखा हुआ क्या, इसकी वर्डिंग अजीब सी है, तो सिंपल आपने पैराग्राफ को थरली देखना है, बहुत डिटेल में मत चले जाना,
जो चीजें समझ में आ रही है उसको अपना पॉइंट बना लो, ठीक है, जो नहीं आ रही है जस्ट सिंपल लीव इट, ओके। यहां से देखें पाकिस्तान अ न्यू स्टेट, ये वाली लाइन दिख रही है आपको मेरी? यस सर, ठीक है, पाकिस्तान, यस सर, और यहीं से हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कि पाकिस्तान एक नए मुल्क के तौर पे सामने आया है, ठीक है। ताकत पढ़ना सर, ये अनअर्नड एक्यूजेशन, ये स्पेल मुझे क्लियर नजर नहीं आ रही है, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशंस, ठीक है यहाँ तक। लेकिन एक और बात, बहुत ज्यादा इसमें रीडिंग का मामला आ गया, आपने उतना समझना है जितना आपको समझ में आ रहा है और उसके पॉइंट बना लेने, हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीक डिबेट करेंगे इंशाल्लाह, सही है? डिबेट का मतलब आपका और मेरा अगेंस्ट हो सकते हैं हम एक दूसरे के, ओके, और फेवर में भी हो सकते हैं, ऑलराइट? ओके सर, सो इंशाल्लाह ओके सर, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.